मार्केट में टमाटर बहुत महंगा हो गया है, तो बहुत लोग सोचते हैं कि राजमा कैसे बनाएं, चाहे छोले कैसे बनाएं, बिना टमाटर का भी हम छोला राजमा घर में बना सकते हैं, बिल्कुल बिना रेस्टोरेंट जैसा। तो चलिए फटाफट हम राजमा बनाना शुरू करते हैं, वो भी बिना टमाटर का और बिना राजमा मसाला का छोला बना के हम तैयार करेंगे। आजकल टमाटर बहुत महंगा है, तो बिना टमाटर का राजमा बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम राजमा लिया है। इसे 6 घंटे भिंगो दिए थे पानी में, अच्छी तरह से ये फूल गया है। ऐसे ही राजमा जल्दी फूलता नहीं है क्योंकि इसका छिलका मोटा होता है, तो राजमा को ज़्यादा देर तक भिंगा के रखना पड़ता है। तो राजमा को आप रात में ही भिंगा दें, चाहे 6 घंटे 7 घंटे भिंगो के रख दें। तो राजमा फूल गया है, इसको हम बॉयल कर लेते हैं। राजमा जिस पानी में भिंगोए हैं उस पानी को यूज नहीं करना है, उस पानी को फेंक देना है। राजमा हम निकाल निकाल के कुकर में डाल देंगे। राजमा जितना टमाटर से अच्छा बनता है उससे भी अच्छा बनेगा बिना टमाटर का। हम बिना टमाटर का राजमा बना के दिखाएंगे, ये भी बहुत टेस्टी बनेगा। आजकल टमाटर महंगा है तो ज़्यादा लोग टमाटर खरीदना नहीं चाहते हैं, इसलिए बिना टमाटर का राजमा हम बनाएंगे। देखिए राजमा मैं पूरा निकाल के कुकर में डाल दिया है, कुकर को गैस ऑन करके रख दिए हैं। इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे, थोड़ा सा और पानी डालेंगे, यानी कि कुल मिला के हमने 1/2 लीटर पानी डाला है राजमा में। इतने राजमा अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा। इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे, हमने 4 आलू छील के और धो के रखा है। आलू डाल के हम राजमा बनाएंगे, तो इसके लिए 4 आलू बॉयल कर लेंगे इसी में। राजमा के साथ आलू भी बॉयल हो जाएगा। कुकर का ढक्कन लगा लेंगे। हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने देंगे। राजमा का मसाला हम तैयार कर लेते हैं जब तक राजमा बॉयल हो रहा है। तो उसके लिए प्याज लिए हैं, मीडियम साइज का 5-6 प्याज है, 1 पुकी लहसुन, इसमें थोड़ा सा अदरक भी डालेंगे। प्याज के 2 प्याज हम तड़का में लगाएंगे, बारीक बारीक कट करके, ऐसे कट करना है तड़का लगाने के लिए। एकदम बारीक बारीक प्याज को कट करेंगे। जिस प्याज का ग्रेवी बनाना है उसे थोड़ा सा मोटा भी कट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा बारीक कट करना है। एक तरफ हमारा राजमा बॉयल हो रहा है, तब तक एक तरफ मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे, इसी में सभी मसालों को फ्राई कर लेंगे। कटा हुआ प्याज डालेंगे, हमने इतना बड़ा बड़ा कट किया है। 1 लहसुन पोटी है लहसुन का, इसी में अदरक, जीरा 1/2 चम्मच, पांच-छह लौंग, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, 8-10 काली मिर्च, 2 तेज पत्ता, इतना बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, 2 लाल मिर्च, सबको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते समय गैस का फ्लेम मीडियम रहना चाहिए ताकि सारा मसाला अच्छे से फ्राई हो। 4 चम्मच धनिया, साबुत धनिया है, इसको फ्राई कर लेंगे, तब इसको पीसेंगे। सबको ऐसे चला चला मसाला प्याज लहसुन हमारा फ्राई हो गया है, इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसे पीस लेंगे। राजमा को मैंने 5-6 सीटी मीडियम फ्लेम पर बॉयल कर लिया है, खोल के चेक कर लेते हैं राजमा हमारा अच्छे से पका है कि नहीं। देखिए आलू तो बिल्कुल फट गया है इसमें का,
राजमा भी एकदम अच्छे से बॉयल हो गया है। देखिए कितना एकदम सॉफ्ट ये बॉयल हुआ है, ऐसे ही राजमा बॉयल करना चाहिए। राजमा का मसाला फ्राई करने के लिए गैस पर कढ़ाई रख दिए हैं, कढ़ाई गर्म हो गया है। इसमें 4 चम्मच तेल डालेंगे सरसों का, आप घर में जो तेल यूज कर रहे हैं उसमें बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम सरसों के तेल में बना रहे हैं। 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे तड़का के लिए, जीरा को तड़कने देंगे। 2 तेज़पत्ता, 1 लाल मिर्ची डालेंगे तड़का के लिए, ये 2 कटा हुआ प्याज बारीक काटे हैं इसको डाल दें, और मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज फ्राई हो गया है, इसमें हल्दी डाल देंगे, हल्दी को हम तेल में ही डालेंगे ताकि हल्दी अच्छे से पक जाए और कलर भी अच्छा आ जाए। तेल में हल्दी डालने पर बहुत अच्छा कलर आता है। ये मसाला पीस के हम रखे हैं, मसाला को डाल देंगे। मसाला को पहले से इसको फ्राई किए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे तेल में। ये चला चला के फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। मसाला फ्राई हो गया है, देखिए तेल कढ़ाई छोड़ने लगा है, मसाला ऐसे ही फ्राई करना है। तो ज़्यादा हम फ्राई नहीं किए क्योंकि पहले से ही मसाला फ्राई था। इसमें कलर के लिए थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डालेंगे, कलर के लिए होता है, डाल के इसको मिला लेंगे। हम इसमें 4 चम्मच क्रीम डाल रहे हैं। आप भी अगर क्रीम डाल के नहीं बनाए हैं राजमा तो एक बार बना के जरूर ट्राई करिएगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, साथ में क्रीम भी फ्राई हो गया। अभी इसमें हम आलू डाल के फ्राई कर लेंगे। आलू को हमने मैश कर लिया है, देखिए एकदम बारीक मैश किए हैं। आलू को मसाला के साथ में थोड़ा सा भून लेंगे। आलू मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, अब हम इसमें राजमा डाल देंगे। राजमा हम बॉयल किए थे तो इसमें पानी नहीं था, पानी बिल्कुल खत्म हो गया था। राजमा डाल के इसको चला लेंगे थोड़ा सा, साथ में इसको फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे, पानी अपने आवश्यकता अनुसार ऐड करेंगे, ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो कम डालेंगे, बता देंगे कितना पानी डालना है। पानी डाल के ऐसे मिक्स कर लेंगे। मैंने 1.5 कटोरी पानी डाला है, बस अब ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। 1 चम्मच हम अमचूर पाउडर डालेंगे, इससे थोड़ा खट्टापन आ जाएगा, टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। मिला देंगे और इसको ढक के 10 मिनट पकाएंगे। राजमा को हम 10 मिनट पका लिए हैं, राजमा हमारा तैयार है। थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे,
राजमा में हमने राजमा मसाला का यूज नहीं किया है, फिर भी ये राजमा एकदम बहुत टेस्टी बना है। एक चम्मच कस्तूरी मेथी डालेंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। हमने राजमा में थोड़ा सा नमक डाल के बॉयल किया था, थोड़ा सा राजमा में नमक कम लग रहा है तो हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, आप टेस्ट करके डालें। इसको मिला लेंगे, देखिए कितना अच्छा राजमा बन के तैयार हुआ है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर लें। देखिए राजमा तैयार है, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और राजमा को उतार लेते हैं। ये लीजिए हमारा चटपटा टेस्टी राजमा बन के तैयार है, वो भी बिना टमाटर का और बिना राजमा मसाला का। इसे आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, इसे आप चावल रोटी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ, थैंक यू।